अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर। मिलियनेयर मुझसे ना काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, हालिया में भी किया किसी बंदे ने कि जी मैं दुबई से अपने आप को उठा के ले आया हूँ, जॉब क्विट करके पाकिस्तान आ चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सवाल मेरे से जो किया जाता है, एंड मैं समझता हूँ कि इसका एक वीडियो बनना चाहिए कि आपको जॉब कब छोड़नी चाहिए। जॉब छोड़ने बुरा नहीं है, जॉब करना बुरी बात नहीं है, इस जस्ट के कब छोड़नी चाहिए, सही वक्त क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बिज़नेस के लिए बना हुआ है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, छोटा सा माकूल सा बिज़नेस रखना, वन मैन शो रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग काफ़ी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी कामयाब सी ज़िंदगी गुजारते हैं। सो सबसे चीज़ जो पहली आपको याद रखनी है, दैट यू नीड एट लीस्ट, अब ठहर जी यहाँ पे डिपेंड्स कि आप जवान हो, 19, 20, 21, 22, 23 साल के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि नहीं, या आप 30, 40, 50 के हो, जब आपके सर पे बच्चों की स्कूल फीसेज हैं, मेडिकल बिल्स हैं, घर का किराया, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप खुद हिसाब लगा लो कि आपको क्या चाहिए। नंबर पहला जो पॉइंट है उसमें कि आई वुड से कि आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा होना चाहिए टू कवर ऑल द बिल्स प्लस समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दोज वो बिल्स जो, यानी गाड़ी का इंजन फट गया, यानी कि खुदा ना हासा कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल आ गया, वैसा। सो जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं है, मैं हरगिज़ आपको नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप जॉब अपनी छोड़ें। यस, मैं मानता हूँ कि बिज़नेस में ये कहा जाता है कि रिस्क लो, लेकिन बेवकूफ़ाना रिस्क नहीं आपने लेनी। रिस्क हम भी जब बिज़नेस में लेते हैं, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का ये मतलब होता है कि, यानी कि जब मैं ये रिस्क लूँगा तो मुझे कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, बरक्स इनको वे अप हम करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एज़ बिज़नेस पीपल, जितने जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क ले सकते हो, स्किल्स इकट्ठे कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, समझ आ गई, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हो, क्या आपके पास उस इंडस्ट्री के बारे में फुल ऑन नॉलेज है। दो किस्म के नॉलेज होते हैं, एक तो नॉलेज होता है कि उसकी ज़िंदगी की लंबाई कितनी है, क्या ये नई इंडस्ट्री है, एक साल आई दूसरी साल गायब हो गई, टिकटॉक आया टिकटॉक बैन हो गया, आपके हाथ में है कि नहीं, या जी मैं चाय की दुकान चलाने जा रहा हूँ, कल भी लोग चाय पीते थे, आने वाले वक्त में भी लोग चाय पियेंगे, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। उस इंडस्ट्री का हम कह सकते हैं कि लंबी है। दूसरा जो एंगल है वो ये है कि आपको खुद ज़ाती तौर पे उस इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है। फर्जन अगर हमने चाय का जिक्र किया, तो आप कितनी अच्छी चाय बना लेते हो, आपको क्या पता है कि किस सीज़न में कौन सी चाय ज़्यादा बिकती है, कश्मीरी चाय कब बिकती है, कावा कब बिकता है, दूध पत्ती कब बिकती है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। यानी आपने कहीं जाके ये काम किया है, पार्ट टाइम करें तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग आई वुड से, या किसी के आगे अप्रेंटिसशिप कर लें, अप्रेंटिसशिप भी पार्ट टाइम, जिनको अपनी क्या कहते हैं, जो भी आपकी मेन नौकरी है वो की, और शाम को किसी जगह पे 3 घंटे लगा लिए, जो आपकी पार्ट टाइम नौकरी होगी, जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो या पेड हो, लेकिन आप वो क्या कहते हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, आप वो जो स्किल है वो सीख रहे हो, वो जो हुनर है उसके बारे में यू आर गेटिंग एजुकेटेड। तीसरी और आखिरी पॉइंट ये है कि क्या सैलरी के अलावा आपके पास कोई आमदन का ज़राए है कि नहीं, और ये ज़राए कौन सा होगा। जब आप जॉब कर रहे थे, यानी मेन वाली, तो आपने पार्ट टाइम जॉब की, वो हो सकती है। पार्ट टाइम जॉब छोड़ के अब आपने पार्ट टाइम वक्त में अपना वो जो छोटा बिज़नेस है, हमेशा मैं कहता हूँ यार छोटे से छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया करो, उसमें रिस्क कम होती है नुकसान होने की। ओके, तो छोटा जो आपने बिज़नेस है शाम को स्टार्ट कर दिया, वीकेंड को स्टार्ट कर दिया, उसमें कितनी इनकम आ रही है, वो कितना स्टेबल है। जब आप समझते हो हाँ यार ठीक ठाक, अगर मेरी सैलरी 40,000 थी, यहाँ से मुझे 20-25,000 आ रहा है पार्ट टाइम में, तो अब अगर मैं उसको फुल टाइम करूँगा तो ज़ाहिर है वो 50 तक चली जाएगी, मैं खुश हूँ करने के लिए, उसमें मुझे मज़ा आता है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। और मैं पूरी अपनी ज़िंदगी को देख सकता हूँ डूइंग दिस जॉब, तो देन जी बिस्मिल्लाह, आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से रिज़ाइन करिए। ख़ासतौर पे जो पुराने आपके जो पुल हैं उनको जलाना नहीं है, आपके जो बॉस हैं उन्होंने आपको क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दी थी, थैंक यू करिए उनका, एंड खुशी खुशी कट टाइस, एंड अल्लाह आपको कामयाबी दे इन वट एवर यू आर अबाउट टू डू इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जुनूनी जो आपने फैसले कर लिए ना, आए मैंने बस पाकिस्तान जाना है जी, या बस मैंने नौकरी नहीं छोड़नी, में ये हो रहा है वो हो रहा है, कतई नहीं करनी, दैट इज़ बेवकूफ़ी, दैट इज़ नॉट कैलकुलेटेड रिस्क, आपको नुकसान होगा। बट अ लॉट ऑफ लोग कहेंगे कि यार ज़ाद भाई आपने भी जुनूनी फैसला किया था कि जी भाई आपने पाकिस्तान जाना है, मेरी बात और है। आई बीन वर्किंग फॉर द पास 15, 20, 18 ईयर्स, अपनी मैंने वो डेर लगाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अगली 5, 10, 20 पुश्तें खा सकती हैं, जैसे मैंने इसको अपने को सेटल किया हुआ है,
जो मेरे एसेट्स हैं वो उनको कमा के खिलाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पोजीशन में हूँ, आपने भी अपना छोटा सा वो डेढ़ लगाना है, फिर कर सकते हैं, फिर जितने मर्जी जुनूनी हो जाओ, ठीक है इंशाल्लाह। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको सीखना है कि पैसा किस तरह कमाते हैं, अपने आप में बेहतरी लानी है, ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होना है, खुश होना है, तो सब्सक्राइब कर लें मेरे और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम।